नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक अंदमान। आज हम बात करेंगे श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। अगर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानते हैं तो इंडिया के लोग मिसाइल मैन का नाम से जानते हैं। जब भी मिसाइल का नाम लिया जाता है तो अब्दुल कलाम जी को हमारे देश के लोग उन्हें याद करते हैं। आज ही का दिन तमिलनाडु गवर्नमेंट एक म्यूजियम का इनोग्रेशन किया। उसी का साथ साथ उन्हें जो चाहने वाले अब्दुल कलाम जी का हमें अंडमान निकोबार की डिगलीपुर क्षेत्र में आज का दिन उन्हें याद किया। आज याद करते हुए यहाँ के लोग उन्हें माला अर्पण किया। और मैं बताना चाहता हूँ ये कौन है उसका बारे में छोटी सी जानकारी देंगे तो मेरा दर्शकों का जानना होगा और सोचना भी है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन है और वो अपना बचपन में क्या किया। एपीजे अब्दुल कलाम जी का बचपन की कुछ कहानी। एपीजे अब्दुल कलाम जी 10 वर्ष की उम्र में अखबार बेचने का काम करते थे। एक अच्छी आदत एपीजे अब्दुल कलाम जी का था वो अखबार पढ़ने का बाद ही बेचते थे। आज वो व्यक्ति हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाते हैं। जो पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया वो संभव हुआ सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम जी का नेतृत्व में, और परमाणु परीक्षण सक्सेस हुआ। उस वक्त हमारे देश के लोगों को एक ताकत मिला, हमारे डिफेंस को एक ताकत देख गया। अंडमान निकोबार के डिगलीपुर क्षेत्र में देखा गया और उनके जो चाहने वाले डिगलीपुर सुभाष ग्राम बाजार में उनका फोटो में माला पहना के उन्हें सम्मानित किया। तो आइए देखिए हमारे डिगलीपुर से ये रिपोर्ट। तो अगला महीना में आता है जो मुक्ति दिवस है, 18 मुक्ति दिवस। आज हमारा तमिल संगम की तरफ से एक जगह याद करता है अब्दुल कलाम जी, जो जिंदगी में कितना मदद किया साधारण जन का। वो लास्ट मरने तक जो हमारा करीब 50 लोग के बीच में जाके वो भाषण देते देते मर चुका। हमेशा 50 लोग के बीच में 50 लोग की चित्र रहना, अच्छा से पढ़ना, किसी का कोई तकलीफ नहीं देना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये पेड़ वेड़ काटना नहीं, पेड़ रखना, पेड़ को पालना, इसी तरह उनका जिंदगी में पब्लिक एक नींद दिया था। अगर वो आदमी आज हमारे सामने नहीं है, उसका याद करते हुए हमारा तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसका जन्मभूमि का यहाँ पर रामनाड एरिया रामेश्वरम के बगल में एक बड़ा एक उसका एक यहाँ निर्णय मेमोरियल जो है जो बना कर रखा। अगर कोई भी अगर रामेश्वरम जाता रामनाड जाता वहाँ जाके देख के आ सकता, उसको याद करने के लिए वही जगह हमने तमिलनाडु गवर्नमेंट बहुत कुछ बना कर रखा। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते थे, हम सब उसका जो रास्ता दिखाया हमारा बच्चा लोग भी उसी का दिखा के हम सब एक साथ जो हमारा देश के आगे के लिए एक साथ रहेंगे। जय जय। ये तो हम लोग दिल्लीपुर तमिलनाडु से एक छोटा सा एक कार्यक्रम बनाया है। इससे पहले जो है एक जो राष्ट्रपति का इतना सम्मान हमारा अब्दुल कलाम जी को हमारा जो 1998 में जो पोखरण में जो एटम बम जो परीक्षण किया था उस समय में सभी को पता चला इतना बड़ा महान हमारा देश में है। इससे पहले जानता था लेकिन इतना नहीं जानता था। पूरा देश नहीं सारा दुनिया में हमारा अब्दुल कलाम जी को नाम रोशन किया और हमारा भारत को नाम रोशन किया बोलने से कोई कम की बात नहीं है कि आज़ाद होने के बाद में हमारा देश को इतना बड़ा सम्मान दिया। तो हमारा अब्दुल कलाम जी का वजह से 1998 का जो पोखरण जो एटम बम जो परीक्षण किया था उस समय में सारा देश ने हम लोग का ताकत कितना है वो दिखाया हमारा राष्ट्रपति जी ने। और अब्दुल कलाम जी ये भी नहीं है और भी कितना कुछ हमारा जो हथियार जो बनाया है मेन हथियार जो है आज अगल बगल में जो भी देश है वो हमको देख के आज भारत को देख के डरने का वो एक रास्ता बनाकर दिया है हमारा राष्ट्रपति जी ने। इसलिए ये जो हम छोटा से इन्फॉर्मेशन की तरफ से जो छोटा सा सम्मान उनको यादगार किया है
ये तो बनती है, इतना भी बड़ा करना चाहिए। तो एक हमारा राजू भैया ने बोला कि भगवान का सम्मान है, तो वो कई कम की बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है कि हमारा आज जो है हमारा अब्दुल कलाम जी को हम लोग भगवान का बराबर रख के हम लोग देखना चाहिए। हमारा सेठ जी ने बताया, तो स्वाग्राम का प्रधान जी ने बताया कि सारा जगह जो पेड़ का वजह से हम लोग कितना पेड़ हुआ है, हमारा जो पेड़ काट किया था वो फिर काटने के बाद में हम लोग कितना नुकसान हो रहा है पूरा देश में, उसको सारा जगह सारा कॉलेज में जाके सारा बच्चा लोग को ये जो एक बताया कि हमारा पेड़ को कितना महत्व देना है, सारा जगह पेड़ लगाना है, एक एक पेड़ का कितना महत्व है ये सब समझाया है। कितना बोलते हैं मैं समाधान की तरफ से सभी मीडिया कर्मी बाकी जितना भी है सभी को धन्यवाद देके जय हिंद।